केंद्र ने ऑफिसों में टीका लगाने की दी इजाजत, कर्मचारियों के साथ परिवार को भी वैक्सीन लग सकेगी। सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा के मुख्य विषयों की ही परीक्षा हो सकती है। कोरोना की वजह से परीक्षा नहीं दे पाने पर एक और मिलेगा मौका। झारखंड में मजदूरी कर रही इंटरनेशनल फुटबॉलर संगीता, सीएम सोरेन से 4 महीने पहले मांगी थी मदद। एम्स के सीनियर न्यूरोसर्जन का दावा, कोरोना के इलाज के 6 हफ्ते के दौरान मरीज को ब्लैक फंगस का खतरा ज्यादा। नेपाल में संक्रमितों की संख्या 5 लाख के पार, 1 हफ्ते में नए केस घटे लेकिन मौतों में 24% इजाफा। इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश, प्राइवेट लैब में टेस्टिंग के रेट सरकार करे तय, 5 जिलों में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए। बिहार में ब्लैक फंगस महामारी घोषित, राज्य में अब तक 91 मरीज मिले। पटना एम्स में 24 घंटे में 40 संदिग्ध मामले सामने आए। पंजाब में गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन, पुरुष धरने पर, पत्नियों ने 26,000 करोड़ की फसल बेची, पिछले सीजन की तुलना में 1400 करोड़ रुपए ज्यादा। न्यूयॉर्क में सड़क से 60 मीटर दूर हडसन नदी के ऊपर बना पार्क लोगों के लिए खुला। शहीद पायलट अभिनव के पिता बोले, जुगाड़ से पुराने जहाज उड़ा रहे हैं जवान, जैसा मेरे बेटे के साथ हुआ वैसा किसी और के साथ ना हो। डोमिनोज में ग्राहकों के 18 करोड़ ऑर्डर का डेटा लीक, कंपनी ने कहा ग्राहकों की वित्तीय सूचनाएं लीक नहीं हुई, सुरक्षा से जुड़ी घटना जरूर हुई। दिल्ली में 31 मार्च के बाद एक दिन में सबसे कम 2,260 नए केस मिले, इस महीने 12 गुना आई कमी। सरकार की सालगिरह नहीं मनाएगी बीजेपी, भाजपा अध्यक्ष ने कहा कोई उत्सव कार्यक्रम नहीं करे, महामारी में बेसहारा हुए बच्चों और जरूरतमंदों की करे मदद। यूपी में कोरोना कर्फ्यू 31 मई तक बढ़ा, बाजार पर पाबंदी बरकरार, अब इमरजेंसी सर्विसेज के साथ औद्योगिक और ई कॉमर्स ऑपरेशंस को छूट। 28 टीचर्स को लील गया दामोह उपचुनाव, ड्यूटी के दौरान संक्रमित होने के बाद कोरोना से मौत, डीईओ ने 12 मामलों की बात मानी। रामदेव पर एलोपैथी के खिलाफ झूठ फैलाने का आरोप, पतंजलि ने इन्हें गलत बताया, मेडिकल एसोसिएशन ने भेजा नोटिस। पूर्व सीएम अखिलेश बोले, टीकाकरण के मामले में यूपी बहुत पीछे, जनवरी में कहा था ये बीजेपी की वैक्सीन है, इस पर भरोसा नहीं कर सकते। ताउते के बाद समुद्र में रेस्क्यू के दौरान अब तक 6600 बरामद, लापता लोगों की तलाश के लिए साइड स्कैन सोनार सिस्टम और 6 डाइविंग टीम को लगाया गया। डीएलएफ मामले में लालू को क्लीन चीट, आरजेडी चीफ घुसखोरी के 2 केस में से 1 में बरी, इसी मसले पर नीतीश ने 2017 में महागठबंधन सरकार गिरा दी थी। केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर बोले, कांग्रेस अब नकारात्मक राजनीति पर उतर आई, सोनिया गांधी को देना चाहिए जवाब। केंद्र सरकार अगले 3 दिन में राज्यों को भेजेगी 2.67 लाख डोज, राज्यों के पास अब भी 1.60 करोड़ डोज। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा पिछले 20 दिनों में नए मामलों में से ज्यादा लोग रिकवर हो रहे हैं, 8 लोग एक्टिव केस हुए कम।